गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। देखिए, जनसंख्या घनत्व S मान वितरण को चित्रित करता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व कहीं पर अधिक है, कहीं पर बिल्कुल ही न्यून है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यदि हम बात करें 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व, देखिए 2011 में अगर हम बात करें तो देश का जनसंख्या घनत्व तीन सौ अट्ठाईस व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जहां रात में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देखो 2001 में बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। वहां पर केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी ये देश का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जबकि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जो केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यदि हम बात करें कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व इसके अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इसके साथ अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से 2011 में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और 2001 में अगर हम बात करें तो वहां पर 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। यदि हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है जयपुर का, यानी 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर जिले की है। लगभग आपको 558 व्यक्ति प्रति वर्ग
किलोमीटर, जबकि अगर सबसे कम देखें तो है जैसलमेर। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रति ही हुई है, उसके बावजूद भी भारत में जनसंख्या घनत्व से कम, हमारे देश का जो जनसंख्या घनत्व है उससे काफी कम है। देश में 330 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जबकि राजस्थान में केवल 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीप राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है और उत्तरी मैदान एवं दक्षिणी भाग में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक है, क्योंकि वहां पर समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, इसीलिए उन वहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे भाई जो जनसंख्या जो बढ़ रही है उस बढ़ती हुई जनसंख्या की क्या क्या समस्या पैदा होती है, कि जनसंख्या में जो वृद्धि दर अधिक हो रही है उस जनसंख्या की वृद्धि दर के कारण कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती है। तो वो तो समस्याएं हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर से कौन कौन सी समस्याएं वो पैदा हो सकती है। तो हम बात करते हैं जनसंख्या की समस्याएं, ज्यादा अगर होती है तो क्या क्या समस्या होगी, जनसंख्या की समस्या। तो जनसंख्या की समस्या से क्या होगा, देखो कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है और इसी तरह जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि बहुत अधिक है और जनसंख्या में अधिक वृद्धि देश की आर्थिक समृद्धि में बाधक होती है। सबसे पहली बात है देश की आर्थिक समृद्धि समृद्धि में बाधक है। देश की आर्थिक समृद्धि में बाधक होती है और बहुत अधिक जनसंख्या के कारण जीवन की देखो गुणवत्ता में भारी प्रभाव पड़ता है। जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पर प्रभाव सबसे अधिक जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन आवास कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जैसे मान लो बेरोजगारी बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या इत्यादि समस्याएं वो बढ़ती जाती है। ये समस्या सबसे ज्यादा जनसंख्या अधिक होने के कारण वो देखने को मिलती है। और अन्य जैसे भौतिक सुख सुविधाएं जैसे पानी पीने का पानी है, बिजली है, यातायात है, आवास आदि की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। और भारत की जनसंख्या में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भी एक अच्छी विशेषता हो रही है, परंतु जन्म दर में धीमी गिरावट जनसंख्या की समस्या का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अतः जन्मदर में कमी करके जनसंख्या समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे जन्मदर में कमी होगी तो जनसंख्या की समस्या को हल किया जा सकता है। तो यह जनसंख्या की समस्याओं से कि देश की आर्थिक समृद्धि बाधित हो सकती है, जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी गरीबी इत्यादि वो बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साक्षरता। तो देखिए साक्षरता किसी जनसंख्या का महत्वपूर्ण गुण है और केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्ता को निर्णय ले सकता है, बोध एवं विकास के कार्य कर सकता है और साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति की एक गंभीर बाधा भी होती है। देखो साक्षरता में कमी होगी तो निश्चित रूप से देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है और साक्षर व्यक्ति ही बुद्धिमत्ता को निर्णय वो ले सकता है। अगर हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा को
समझकर लिख पढ़ सकता है, उसे हम साक्षर की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी वो व्यक्ति तो साक्षर का हो और किसी भाषा को लिख पढ़कर समझकर बोल सकता है या लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसे हम साक्षर की श्रेणी में रखते हैं। भारत की साक्षरता दर में भी धीरे धीरे सुधार हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो देश की साक्षरता दर 74.04 है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74.04% है, ठीक है। पुरुषों की जो साक्षरता है वह आपकी 82.14%। इसके साथ महिलाओं की साक्षरता है वो आपके 65.46% है, 65.46% है, ठीक है। और 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य में, इसके केरल राज्य की सबसे अधिक साक्षरता है। वहां पर जो साक्षरता है वह आपके 93.91%। सबसे कम बिहार राज्य की है, जहां पर आपके 63.82% की साक्षरता दर है। और इसके साथ अगर हम बात करें हमारे राज्य की साक्षरता दर कि भाई राजस्थान की जो कुल साक्षरता है वो कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो राजस्थान की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो 67.07% है, राजस्थान की साक्षरता दर। देखो राजस्थान की 2011 में साक्षरता दर 67.07% है, ठीक है। और जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर आपके 80.51% और महिलाओं की साक्षरता दर है वह आपके 52.66%, ठीक है। और राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर से महिलाओं साक्षरता का अभाव है। कोटा जिले की साक्षरता सबसे अधिक है, यानी कोटा जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक, कोटा जिले की जो साक्षरता दर वो सर्वाधिक है वह आपके 77.48%। और सबसे कम आपने जालौर की, सबसे कम जालौर जिले की है जो आपके केवल 55.58% मिले, यानी 55.58%। ये है साक्षरता। इसके साथ साथ राजस्थान में साक्षरता की वृद्धि हेतु कई कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जैसे साक्षरता अभियान है, ये साक्षरता को बढ़ाने के लिए है,
साक्षरता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम, जिसमें एक को साक्षरता अभियान, साक्षरता अभियान, इसके अलावा हम बात करें फ्रॉड शिक्षा, फ्रॉड शिक्षा के साथ साथ सतत साक्षरता कार्यक्रम, सतत साक्षरता कार्यक्रम, सतत साक्षरता कार्यक्रम, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान, विशेष ध्यान आदि कार्यक्रम चलाए गए। इसके साथ साथ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया है। अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही है, जिसमें आपके कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, और इसके साथ साथ ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर दिए जा रहे हैं, गार्गी पुरस्कार है, आपकी बेटी योजना है, देवनारायण छात्र स्कूति वितरण एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना एवं अन्य बालिका प्रोत्साहन योजनाओं ये भी कार्यक्रमों को चलाए जा रहे हैं। तो बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित वो किए हैं, जिसके कारण बालिकाओं में शिक्षा और अधिक क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। शिक्षा के कारण अगर हम बात करें तो राजस्थान में लिंगानुपात, देश में अगर बात करें तो लिंगानुपात की जो स्थिति है वो क्या स्थिति है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से लिंगानुपात भी धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। जो लिंगानुपात धीरे धीरे गिर रहा था उसमें भी काफी सफलता प्राप्ति, उसमें वृद्धि देखने को मिली है। देखते हैं देश के अंतर्गत लिंगानुपात की क्या स्थिति रही है। लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष या देश राज्य या स्थान के पुरुष या स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात को कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष यानी देश हो चाहे राज्य हो या स्थान हो, उसमें स्त्री और पुरुष की संख्या में जो अनुपात है वही लिंगानुपात को कह रहा है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को इसका मानक वो माना जाता है। यानी कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है जिसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात का मानक मानते हैं, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात को कहा जाता है। यह जानकारी दिए जाने के लिए समाज में पुरुषों महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक वो सूचक माना जाता है। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। अगर हम बात करें सन 2011 की जनगणना के अनुसार, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो हमारे देश का जो लिंगानुपात है वो 940 के अनुसार देश का लिंगानुपात 940 है ना। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 940 है। केरल राज्य का सबसे ज्यादा है, देखिए केरल राज्य का लिंगानुपात 1084 यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, और हरियाणा का सबसे कम है, हरियाणा का सबसे कम, हरियाणा का सबसे कम वहां पर 877 है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 926 है। अगर हम बात करें तो देश का लिंगानुपात कितना है, 940, जबकि अगर हम बात करें राजस्थान का तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात
936 ही है, जो 2001 की तुलना में अधिक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो लगभग डूंगरपुर जिले में सबसे अधिक है, डूंगरपुर और राजसमंद, डूंगरपुर व राजसमंद में सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है। डूंगरपुर में 990 तथा राजसमंद में 988 महिला है। ये डूंगरपुर का है और ये राजसमंद का है, डूंगरपुर और राजसमंद का। इसके बारे में बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान में, सबसे कम जो लिंगानुपात है वो आपके धौलपुर जिले का, धौलपुर जिले का सबसे कम लिंगानुपात है, जहां पर महिलाओं की संख्या केवल 845 ही देखने को मिलती है, यानी 1200 पर 845 महिलाएं ही वहां पर है। तो राजस्थान में सबसे कम जो लिंगानुपात है वो धौलपुर जिले का 845, सबसे अधिक डूंगरपुर का, राजसमंद डूंगरपुर का 990 और राजसमंद का 988 वहां पर वो देखने को मिलता है। तो ये लिंगानुपात की स्थिति है, जो अगर बात करें राष्ट्रीय लिंगानुपात से भी कम हमारे राज्य का लिंगानुपात है। अब बात करते हैं नगरीकरण की, क्योंकि जनसंख्या में देखा गया कि जो प्रवास की जो समस्या है, एक आंतरिक भी होता है और एक अंतरराष्ट्रीय। तो अगर हम आंतरिक देखें, अंतरदेशीय, तो अंतरदेशीय में तो कोई ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन वो जनसंख्या के असमान वितरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नगरीकरण देखो, नगरीकरण से तात्पर्य है कि जनसंख्या क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना, यानी गांव से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, और शहरी क्षेत्रों की भौतिक विस्तार जैसे क्षेत्रफल है, जनसंख्या इत्यादि का विस्तार भी शहरीकरण को कहता है। तो जब गांव के लोग शहरों में जाकर रहने लग जाते हैं तो शहरों का क्या होता है, विस्तार होता है, भौतिक रूप से विस्तार होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से उनका क्या होता है, विस्तार होता है। तो भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद होने वाली एक घटना है, जिसमें भारत में नगरों की संख्या और आकार में तेजी से क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और साथ ही कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ गया, यानी जो शहरों की जनसंख्या था, शहरों की जनसंख्या थी उसमें तो और अधिक जनसंख्या का प्रतिशत वो बढ़ गया। जहां एक और नगरीकरण, आधुनिक औद्योगिकरण, सामाजिक प्रणाली का दौरा, वही दूसरे पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी घातक है। देखो, एक और तो नगरीकरण है, वो अगर हम देखें तो औद्योगिकरण और सामाजिक प्रणाली के लिए जाना जाता है, तो दूसरी ओर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए सबसे घातक वो दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से सरकार ने जनसंख्या नीति लागू की, क्या लागू की, जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति 2000 में लगभग ये बता दिया गया था कि भाई 14 वर्ष से 2000 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इसके साथ साथ शिशु मृत्युदर में 30% कम करके व्यापक स्तर पर टीकाकरण, व्यापक स्तर पर टीकाकरण, बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और परिवार नियोजन को एक जन केंद्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करके, यानी ये तो जनसंख्या, ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, उसमें 2000 में स्पष्ट कर दिया कि 14 वर्ष से
कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया था कि भाई शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, व्यापक टीका, व्यापक स्तर पर टीका होगी, जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना है, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ावा देना है और परिवार के आकार को सीमित करने के लिए एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। और इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इसके साथ साथ परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है उसकी जिम्मेदार एवं सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का एक परिणाम है। तो सरकार ने ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की थी 2000 में, इसे कहते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या जनसंख्या नीति है। तो ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है 2000, इसमें काफी प्रयास किए, तो ये एक कई लंबे समय के प्रयासों का ही एक परिणाम हो दिखाई देते हैं। इसी तरह से राजस्थान में भी जनसंख्या, राजस्थान सरकार ने भी जनसंख्या नीति लागू की थी जिसे कहते हैं राजस्थान जनसंख्या जनसंख्या नीति। और राजस्थान सरकार ने जो जनसंख्या नीति लागू की थी उसकी क्या क्या विशेषता देखिए, इसकी विशेषता है कि एक विशेष भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है और यहाँ दो के भाग क्या है, मरुदेश प्रदेश है हमारा, अगर राज्य देखिए तो राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार दो के जो भाग पूरा का पूरा मरुस्थल है, एक बड़ा भाग पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्र भी है और महिला साक्षरता हमारे यहाँ पर केवल 52.6% ही है, जो सामाजिक चेतना सोचने स्तर पर है। साथ साथ महिलाएं आज भी देखो संस्थागत प्रसव की अपेक्षा दाई द्वारा प्रसव करवाने को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, बच्चे के स्वस्थ एवं जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है, अधिक बच्चों को जन्म देना, कम आयु में विवाह तथा लड़का पैदा करने की इच्छा के कारण प्रदेश की जन्म दर तथा शिशु मृत्यु दर क्या है, अधिक है। तो इसीलिए सरकार ने ये राजस्थान जनसंख्या नीति लागू की थी और जनसंख्या वृद्धि को चुनौती का सामना करने के लिए सरकार विभिन्न गतिविधियां एवं योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या को स्थायित्व के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें योग्य दंपतियों को उनकी इच्छा के अनुसार परिवार कल्याण की आवश्यक सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। साथ साथ नियमित टीकाकरण अभियान है, इसके साथ साथ मातृ शिशु स्वास्थ्य है, आपके मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान है, ये चला करके गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के पोषण के लिए सुलभ कराए जा रहे हैं ताकि शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में जनसंख्या नीति लागू की गई। इसके साथ अगर हम बात करें तो जनमंगल योजना है, जो गांव-गांव में जनमंगल जोड़े परिवार कल्याण के अंतर्गत साधन उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ साथ महिला स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने का प्रावधान भी किया गया है, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को विभिन्न जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी हो सके, इसके अंतर्गत दूर दराज के क्षेत्र में चिकित्सा परिवार कल्याण की सुविधाओं को भी सुलभ करवाया जा रहा है। तो कहने का यह है कि राजस्थान सरकार ने भी जनसंख्या नीति को लागू करके और राजस्थान की जनसंख्या की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाप्त करने के उनको सुलझाने का प्रयास हो किया है, ताकि प्रदेश की जो जनसंख्या है उन जनसंख्या को विभिन्न प्रकार से पूरी बुनियादी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो किया जा सके।